इस स्टडी टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडोब इनडिज़ाइन की। अडोब इनडिज़ाइन हम कहाँ यूज़ करते हैं? अडोब इनडिज़ाइन मैगजीन, न्यूज़पेपर और जितनी भी पब्लिकेशंस हैं वो अडोब इनडिज़ाइन को ही यूज़ करती हैं। तो अडोब इनडिज़ाइन और एक और सॉफ्टवेयर है अडोब इलस्ट्रेटर। फाइन, इलस्ट्रेटर की हम सारी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। आप अगर आप चाहें तो इलस्ट्रेटर की वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं जो हम इन डिज़ाइन में डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अडोब ने क्या करा है कि एक अलग सॉफ्टवेयर ईजाद किया है जो सिर्फ मैगजीन वगैरह और न्यूज़पेपर और इन सबको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं अडोब इनडिज़ाइन की फर्स्ट क्लास है, तो मैं फर्स्ट क्लास में सिर्फ बेसिक्स के बारे में मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो अडोब इनडिज़ाइन को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं अडोब इनडिज़ाइन 2021 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, जिसे आप अडोब की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देन इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइन, आप अडोब इनडिज़ाइन को ओपन करेंगे तो इसका लेआउट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे आपका अडोब इलस्ट्रेटर का है, फोटोशॉप का है। अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका वर्क स्पेस, उनके टूल्स ऑलमोस्ट सब सेम है। तो इस क्लासेस की इस क्लास में कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं होने वाली हैं क्योंकि इन डिज़ाइन बहुत रेयर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। और क्योंकि अडोब इन डिज़ाइन की जगह अब अडोब इलस्ट्रेटर ने ले ली है। फाइन, इन डिज़ाइन को ओपन करने के बाद मेरे पास ये यहाँ पे कुछ ऐसा वर्क स्पेस आ जाएगा। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च आप यहां से कर सकते हैं। आप कुछ भी आर्टवर्क सर्च करेंगे यहां पर आ जाएगा। और यहां पे क्रिएट न्यू है और ओपन है। क्रिएट न्यू का मतलब ये कि जैसे आपके पास कोई भी लेआउट है, आपके पास कोई भी डायमेंशन है, तो आप उस डायमेंशन का आप वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस सीरीज में इतना डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर आपको डीपली जानना है तो अडोब इलस्ट्रेटर की आप मेरी वेब सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें और उस सीरीज में कुछ इतना फर्क है नहीं। तो मैं क्रिएट न्यू पर जाऊंगा और क्रिएट न्यू पर जाने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी एक्चुअली लोडिंग हो रहा है। फाइन, ओके, क्लोज करता हूँ इसे। दोबारा मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये आई थिंक कुछ एरर आ रहा है। मैं फाइल पे जाता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं। फाइन, अभी मैं अपना इंटरनेट ऑफ करता हूँ, मे बी शायद इसकी वजह से इश्यू आ रहा हो। फाइन, मैंने इंटरनेट अपना बंद कर दिया है और मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, हाँ, क्रिएटिव क्लाउड में मेरी दिक्कत आ रही है कि एक्चुअली कुछ डैमेज फाइल है। ठीक है, तो मैं रिपेयर करके चेक करता हूँ। ठीक है, और मैं अडोब इनडिज़ाइन को दोबारा ओपन करता हूँ। मे बी अब सही चल जाना चाहिए। फाइन, और ये क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ मैं। फाइन, अब भी ये नहीं चल रहा है एक्चुअली, सही तरीके से ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैं फाइल न्यू देन ओपन, तो मेरे ख्याल से ये आगे नहीं चलेगा, तो मुझे इसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं न्यू पे जाता हूँ, देन अगर मैं बुक पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये अगर मैंने बुक पर क्लिक किया, सेव किया मैंने, उसके बाद देखते हैं। फाइन, तो ये हमारे पास वर्क स्पेस कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी बुक को। अगर मैं दोबारा न्यू देन डॉक्यूमेंट पर जाऊँगा तो ये दोबारा यहाँ दिक्कत कर रहा है। फाइन, अभी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास कोई भी वर्क स्पेस नहीं है, कोई भी आर्टबोर्ड नहीं है, सिर्फ मेरे पास वर्क स्पेस है। और मैं आर्टबोर्ड को लेने के लिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहे हैं तो ये उसको शो नहीं कर पा रहा। फाइन, तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। हम पेज पर जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी पेज भी शो नहीं कर रहा, तो ये नोट टूल है, ये कलर थीम टूल है, प्रीव्यू व्यू ऑप्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा आर्टबोर्ड है वो आ नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ले नहीं पा रहा। फाइन, तो जो इशू आ रहा है मैं भी रिजोल्व कर लेता हूँ, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा कि एक्चुअली क्या इशू आ रहा था जो मेरा अडोब इनडिज़ाइन चल नहीं पा रहा, डॉक्यूमेंट पे
फाइन, ये एक्चुअली यहाँ की जो टूल्स है वो शो नहीं कर रहा और इसकी वजह से हमारे पास आज बोर्ड नहीं आ रहा है, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ दोबारा। देन मैं अगली वीडियो में आपके आपको इसका इसका रेजोल्यूशन बताऊंगा कि क्यों दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो मैं क्लोज करता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा कि क्या दिक्कत आ रही थी हमें।